फर्स्ट क्वेश्चन हाँ यस है। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ी शुरू में जैसे हमने आज मैसेज किया था कि जिन लोगों ने सीरीज देखी है 12 वीडियोस की ना एक सीरीज भेजी थी हमने, ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो नए हैं खास करके उनके लिए है कि अगर उनका कोई लोग हमें कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं बहुत से, तो अगर आप यहीं पे कोई सवाल पूछना चाहें, अगर आपने सीरीज देख लिया और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि अगर सेम क्वेश्चन किसी और का तो उसका भी आंसर हो जाएगा, और वी होप कि आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए इससे। तो अगर है किसी का सवाल तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, और तो भी क्वेश्चन, हर एक के लिए अलग। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से नहीं भी रिलेटेड है, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। उपासना, हाँ हाँ, जी उपासना। उपासना। मैम मेरे को ये पूछना था, मैंने जब से अपना इनर वर्क का टाइम बढ़ाया है तब से मुझे ऐसे लगता है जैसे कि कुछ कार्मिक पार्टनर्स की तरफ से या कुछ डीमंस के अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो मैं क्या करूं उसके। ये उपासना किस तरह का इनर वर्क कर रहे हो आप, कहाँ से कर रहे हो इनर वर्क? सर वैसे तो मतलब मैं खुद से ही जो मेडिटेशन या चक्रास करती हूँ या जो भी मुझे खुद से यूनिवर्स से कुछ ऐसे वीडियोस या कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती है तो वो मैं करती हूँ, तो बस वही उसी से मैं कर रही हूँ मेडिटेशन तो वगैरह। तो आपको अभी आपको पता कि जब सबसे पहले हम चक्रास को छेड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हिडन नेगेटिविटी ही ऊपर आती है सरफेस पे, और आप लोगों की एनर्जी को टैप भी करना शुरू कर देते हैं, आसपास के लोगों की नेगेटिविटी को भी कैच करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी होता है, हम हर वीडियो में या हर क्लास में यही एक्सप्लेन करते हैं कि बगैर टीचर के आपको अपने चक्रास को छेड़ना नहीं है। इवन कि अगर आप हमारा इनर वर्क प्रोग्राम के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो उसमें भी हमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 4th महीने में जाके हम चक्रास के ऊपर उनको सिखाना शुरू करते हैं। उससे पहले सिस्टम को प्रिपेयर करना होता है, और फिर ऐसे टूल्स की जरूरत है जो कि आपको इन एनर्जी से बचा भी सके। तो आप बगैर टीचर के अगर जा रहे हैं, कोई भी अगर आप बगैर टीचर के कर रहे हैं, तो पहले तो ये रिकमेंडेड है कि आपको एक टीचर होना चाहिए, और फिर वो टीचर ही आपके सवालों के जवाब देंगे जब भी आपको कोई ऐसा इश्यू आएगा। बट सर मैं ये जानना चाहती कि कुछ ऐसा कुछ प्रोटेक्शन हम किस तरीके की ले सकते हैं, एंजल से कोई हेल्प। देखिए उपासना, जैसे कि बताया, अगर आप चक्रा मेडिटेशन विदाउट गाइडेंस करेंगी तो वहां पे प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है, और फिर हम अपने ही प्रोग्राम पे कमेंट करते हैं अपने ही स्टूडेंट्स के लिए। हमें नहीं पता आप क्या ओके कर ओके रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। नॉर्मल छोटी मोटी गाइडेड मेडिटेशन आप कर लें यूट्यूब के थ्रू या कहीं से भी, दैट इज ओके। बट अगर डीप डाउन करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, ये हम सभी को पता है, बिना टीचर के बिना गुरु के आगे बढ़ेंगे तो देखो एनर्जी है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ करेगी ना। तो इसलिए बेटर है आप ओके सेफ मेडिटेशन करें, और अगर इनर वर्क करना है तो किसी भी टीचर के थ्रू करें, चाहे हमारे थ्रू करें चाहे किसी और के थ्रू करें, ठीक है। बाकी में ओके किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बाय द टाइम आप चैट पे लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक अप द क्वेश्चन, जो जो हो अपने अपने क्वेश्चन चैट पे भी लिख सकते हैं। प्रीति। हाँ जी प्रीति पूछो। जय कृष्णा सर और मैम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम डीएम मतलब आप ही के वीडियो के थ्रू मतलब ये डीएम का रिलेशन ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट मैंने जाना और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो मुझे ये जानना है कि अगर हमें पता चल गया कि ठीक है वो डीएम है हमारे, लेकिन अभी हमारे लाइफ में ये सिचुएशन है कि जैसे कि एक एज हो चुका है, शादी कर लेनी चाहिए या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या करियर पे भी ज्यादा फोकस करना है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर शादी की मतलब सिचुएशन आती है तो उसमें हमें क्या करना तो चाहिए, आप पहले इसमें पहले आप डीएम ये का क्या रोल है? पहले आप ये बताओ, आपने वो 12 वीडियो की सीरीज देखी है? सर मैं काफी पहले मैंने देखा था, अभी रिसेंटली नहीं देखा है। ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए हम दोबारा से आपसे कह रहे हैं बात, क्योंकि उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर है ऑलरेडी। अब आप अगर इनर वर्क
करते हैं, किसी तरह का इनर वर्क करते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. और ये जो प्रेशर्स हैं, ये जो आपके आसपास के लोग आपको कुछ कह रहे हैं ऐसे कर लो या वैसे कर लो, इसको भी आप हील कर सकेंगे. अब आप ये इस समय कोई भी आप में से, जब तक आप इनर वर्क प्रोग्राम किसी तरह का नहीं शुरू करते, तब तक ये मुश्किल है कमेंट करना कि आपका जो फ्यूचर है वो क्या होगा. फ्यूचर फिक्स नहीं है, पहली बात सबके लिए, फ्यूचर फिक्स नहीं है, फ्यूचर को आप बदल सकते हैं. एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, इनर वर्क फ्यूचर को बदलता है. जी सर. तो अभी के लिए अगर आपको हम रिकमेंड करें तो वो सिर्फ यही है कि आप अपना इनर वर्क का प्रोसेस स्टार्ट करें, और उसके जो टूल्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को या इन सिचुएशंस को नेविगेट करने में. पर चिंता की कोई बात नहीं है प्रीति, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. हमारे साथ प्रज्ञा है. प्रज्ञा सही कह रही हूँ? प्रज्ञा बोल के बताओ ना, पता चले. प्रज्ञा हमारी इनर वर्क स्टूडेंट है. यस राम, मेरी भी सही सेम प्रॉब्लम है. सही कह रही हूँ, जिस दिन चिंता करनी बंद कर दो तो चीजें ठीक हो जाती, अपने आप फॉल इन प्लेस हो जाए. ओके. नॉट ओनली चिंता करनी, शी इज प्रैक्टिसिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स टू. ओके, मीनाती साहू. या मैम, एक्चुअली ये पूछना चाहती थी कि मुझे अभी तक मैं इस चीज से कंफ्यूज हूँ कि मैं सही में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ. मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, तो वो कंफर्म कैसे करें? हाँ, वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा, यही क्वेश्चन हम इसका जवाब देते हैं जो भी में कॉल आती है. तो एक मिनट के लिए आप ये मान लो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो बताओ क्या करना है. आपसे पूछ रहा मीनाती, मान लो एक मिनट के लिए वो नहीं है ट्विन फ्लेम जो भी है, बताओ क्या करना है. सर एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा डीएम कौन है, मतलब मैं वो भी नहीं. अच्छा चलो, मान लो कोई है आपके आसपास, दो चार लोग हैं जिनमें से आपको कंफ्यूजन है कि इनमें से कोई एक डीएम है. मान लो कोई एक उनमें से, अगर ए बी सी डी है तो सी जो है वो डीएम है, अब बताओ क्या करना. सर मेरा तो अभी काम ये दिमाग यही कहता है कि कुछ भी हो उन सबको मतलब दिमाग से निकाल के बस अपने ऊपर काम करना चाहिए. वेरी गुड. तो पहली बात शाबाशी इस बात की है कि आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है. अब मुझे ये बताओ ये करोगे कैसे. तो घूम के बात वहीं पे आएगी, इसके लिए भी इनर वर्क करना पड़ेगा. मींस मैं आपको कह दूं कि पॉजिटिव सोचो, आज कह दूं पॉजिटिव सोचो. मीनाती कहे ठीक है जी, मैं आज से एक महीना पॉजिटिव सोचूंगी. कैसे सोच लोगे बगैर इनर वर्क के. या प्रज्ञा कहती है कि सर मैं ना, मुझे गुस्सा आ जाता जल्दी, तो मैं प्रज्ञा को कहूं नहीं प्रज्ञा तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें सबको पॉजिटिवली हैंडल करना है, तो कैसे कर लेगी प्रज्ञा हैंडल. क्योंकि गुस्सा तो आ जाता है, किया थोड़ी जाता है. तो जिसको दिमाग से निकालना है या जिसको दिमाग में डालना है, इसके लिए जो प्रोसेस है वो है इनर वर्क, जो कि कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपको अंदर से बदलेगी, ताकि जो डीएम है या नहीं है ये अपने आप क्लियर होगा आने वाले टाइम में. आज नहीं आपको कुछ समझ आएगी कि कौन है तो कौन नहीं है, कंफ्यूजन है. आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी, फिर आपको फील होना शुरू होगा कि कौन क्या है, आसपास क्या चल रहा है. हमारे इसमें से कौन कौन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, जरा हाथ खड़ा करते हैं प्लीज. मेरा जरा इधर से इनसे एक सवाल लिखना है, जल्दी से जल्दी से. कौन से लोग हैं? अच्छा, एक तो पूनम भंडारी जी हैं, ठीक है. कृष्णा, कृष्णा अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है? नो मैम, आई एम द न्यूकमर मैम. ओके. और कौन है जिनको ट्विन फ्लेम लगता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है या हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता? अगर कोई है तो यहाँ तक हाथ खड़ा करते फेस तक, क्योंकि आप लोगों की कईयों की इतनी इतनी बड़ी नजर आ रही है. अच्छा, मीनाती भी है तो स्क्रीन पे. हाँ जी, कृष्णा भी नहीं. कृष्णा आपका तो पता चल गया. एक मिनट. अच्छा, और कौन? आई हैव सम क्वेश्चंस मैम रिगार्डिंग ट्विन. हाँ, एक मिनट एक मिनट. पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है पूजा का कि मेडिटेशन के दौरान बैक पेन क्यों होता है. पूजा, पूजा ये पूजा शर्मा का है हाथ खड़ा का? नहीं नहीं, पूजा का नहीं. अच्छा, अच्छा. और कोई पूजा? इसके लिए सिर्फ इतना ही, सबसे पहले तो आप योगा अभ्यास करना शुरू करें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें थोड़ा सा मेडिटेशन करने जी, के लिए. जी, जी, जी. ठीक है ना. जब आप योगा अभ्यास का पहला स्टेप भी यही होता है कि
अगर आप योगासना की डेफिनेशन देखें तो स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर और सुखदायक पोजीशन को आसन बोलते हैं ना, तो जब आप स्टेबल पोजीशन पे बैठना लग जाएंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसमें आप 2 से 3 घंटे बैठ जाएं, तो उसी को आसन बोला जाता है। तो मेडिटेशन करने से पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है कि आप एक स्थिति में, कंफर्टेबल स्थिति में लंबे समय के लिए बैठ सके। ठीक है, तो करना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज होनी शुरू होगी, आपका पोस्चर और आपका बैठना ठीक होता जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई बॉडीली पेन है, लेट्स से है ना, कोई अगर इश्यू है, तो भी वो जब हम चक्र क्लिंजिंग का स्पेशल कोर्स कराते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज होती है उसमें रिलीज हो जाती है। फिजिकल पेन वगैरह भी अगर कोई रीजन होता है, कोई फिजिकल रीजन है, तो वो भी रिलीज हो जाता है when you do the meditation under guided, मतलब अगर guidance के अंदर करते हैं तो ये चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, till that time योगासन करो। योगासन के लिए हमने बहुत छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है 7 days का। इट्स ए वेरी वेरी मिनिमम फीस ऑफ 1000 rupees फॉर 7 days। तो मंडे से उसका नया बैच स्टार्ट होना, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और फिर बाद में अपने घर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर 7 days। मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं जो कंट्रोल ही नहीं हो पाते बेटा, वो तो फिर सीखनी पड़ेगी ना धीरे धीरे। मेडिटेशन गाइडेंस के साथ चलोगे तभी होगा ना। अभी यहाँ पे हम जितना ही बता सकते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थॉट्स तो आने ही आने हैं, जिंदगी भर आने हैं, थॉट्स से तो तुम पीछा छुड़ा नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बननी शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपकी एनर्जेटिक क्लियरेंस होती चली जाती है। मैम जैसे मैं इनर वर्क कर रही थी, बीच में मेरे को अच्छा लग रहा था, फिर से मेरे को एकदम लो फ्रिक्वेंस लग रहा है, मतलब सैडनेस वगैरह फिर से आने स्टार्ट हो। तो अभी आप पहले ये बताओ कहाँ से कर रहे हो इनर वर्क? आपके ही सब चैनल से कर रही हूँ, यूट्यूब से। तो फ्री वाले टूल्स हैं वो, ऐसे समझ लो बेसिक सा है बिल्कुल सामान। तो हाँ। अगर आपको आगे, अगर आपको हायर जाना है, आगे बढ़ना है, अभी बड़े बड़े हीलिंग के लिए भी इश्यूज आने वाले हैं लाइफ में, आप उनको हील करना, तो आपको हायर टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी आप फ्री में सब कुछ नहीं ना दिया जा सकता ऑनलाइन, इसलिए वो डिजायरिंग इस पैसे समझिए कि डिजायरिंग एंड डिजर्विंग जो होता है उसको दिया जाता है सामान, ताकि वो उसकी कदर भी करे। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हायर टूल्स में जाना पड़ेगा। या अगर आप मेडिटेशन की बात भी कर रहे हैं तो किसी के टीचर के, अभी हमने बात करी कि टीचर के अंडर करनी चाहिए, तो जो भी टीचर हैं आपके जो आपको करवा रहे हैं ये सारा कुछ, आपको उनसे गाइडेंस मांगनी चाहिए इन चीजों के लिए। अभी कोई टीचर नहीं सर, आप ही हो, आप सर और मैम आप ही बस हैं। अभी हम भी टीचर नहीं है हम आपको सिर्फ कुछ दे रहे हैं कि चलो थोड़ी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा ये। तो कृष्णा जी, आपको कोई बिलीव करने को कह भी नहीं रहा, आपको कौन कह रहा है कि बिलीव करो? आप जैसे खुश हो अगर आप तो ठीक है। हाँ जी कृष्णा। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका हमने क्वेश्चन पढ़ लिया चैट में, हमें आपका क्वेश्चन मिल गया है, तो आप ये बताओ चाहते क्या हो आप? मैम एक्चुअली सर, मैं स्पिरिचुअली, मैं नॉलेज है, मतलब कि मैं गीता पढ़ा हूँ, मैं उसके बारीकियों को मैं समझता हूँ कि गीता किस तरह से स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल वे में एंड सोशल वे में लिखा गया है। सर राधा कृष्ण की स्टोरी पता है? सर नो, ज्यादा नहीं जानता मैं। राधा कृष्ण का सीरियल देख लेना, जी टीवी पे पड़ा है, और जी टीवी पे इसका लाइव वो पड़ा हुआ है, तो आप पहले वो सारा सीरियल देख लो, फिर हम इस पे बात करेंगे। एंड बाय द टाइम, जैसे परम ने आपको बुलाया बताया, अगर आपको नहीं लगता तो ठीक है, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू बिलीव इन ट्विन फ्लेम, यू बी हैप्पी द वे यू आर। अगर आप खुश है तो ठीक है, अगर आप खुश नहीं है तो फिर हमसे पूछें कि क्या किया जाए खुश होने के लिए। सर एक्चुअली बात यह है सर कि मैं जितना भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा हूँ, जितने भी महात्मा, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, गुरु नानक हो गए, कबीर, कभी किसी ने ट्विन फ्लेम के बारे में या दो आत्माओं के बारे में किन्हीं ने जिक्र नहीं किया सर? अभी तो आपको बोला है राधा कृष्ण के बारे में जान लो, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, जब राधा कृष्ण के बारे में जान लोगे फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना, फिर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? ओके ओके मैम, थैंक यू मैम जी। हम 5 मिनट्स और हैं, और क्वेश्चन ले लेंगे। रिहाना का क्वेश्चन है, जेलसी एंड फियर कैसे हील करने हैं? तो हमारे पास पूजा शर्मा है, ममता है, कैसे हील करते हैं हम जेलसी एंड फियर को? कोमल, हाँ प्रज्ञा, कौन बताना चाहता है? प्रज्ञा बताना चाहती है, हाँ प्रज्ञा। हम रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट करेंगे।
ये हमारी एक वन ऑफ द इनर वर्क टेक्निक है जिसके थ्रू ये करते हैं। और ममता मैम मेरा टेक्निक भी कर सकते हैं जिसमें हम दूसरों को भी हील करते हैं और खुद को भी हील करते हैं। और कुछ कोई और बताना चाहे हमारा स्टूडेंट? हार्मोनी भी किया जा सकता है। इज वन ऑफ द टेक्निक्स दे आर टेलिंग ऑफ हर इनर वर्क प्रोग्राम। वेरी नाइस। स्वाति जो भी सैडनेस जेलसी हैवीनेस आए तो हमको उसको क्लियर एंड ट्रांसमिट करना है या सरेंडर कर देना है। ओके ओके। और नीलम जी म्यूट हैं आप। मैम एंजल्स ब्लेसिंग्स ले सकते हैं हम। अब वो भी एक टूल है। यस। तो और पूजा पूजा को तो पूजा तो अब गुस्सा आता ही नहीं है पूजा को। नहीं हाँ पूजा मैम यही सारी हैं जो सब बता चुके जेलेसी जो बता चुके क्लियर। हाँ जेलेसी फिर मिरर वर्क और क्लियर एंड ट्रांसम्यूट खास तो ये है और हार्मोनी और एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट वन इज कॉस्मिक मैरिज। अरे कुछ ही नहीं सारे फेवरेट। नोबडी इवन टॉक्ड अबाउट द चक्रा हीलिंग जिससे कि मेन आपकी ये चीजें रिलीज स्पेशल फोकस वे में हो जाती है। मैम वो इनर वर्क पे था मैम इसलिए इनर वर्क के वो तो कितना है ही है। हाँ वो उसपे था इसलिए। हाँ बाकी तो रेगुलर आप लोग करते हैं। वेरी गुड। तो देखिए आप जो भी नहीं मैं हार्मोनी से भी चक्र हीलिंग हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वेरी नाइस। हार्मोनी हीलिंग से भी हो जाता है। एंजल ब्लेसिंग से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डेली रूटीन में मिरर्स करते हैं। वेरी नाइस। मैम वो तो हम डेली करते हैं ना जब हम क्रिया कर रहे हैं तो उसमें तुम चक्र का अपना अनम्यूट तभी करें जब आपने कुछ बोलना है क्योंकि कई बार बैकग्राउंड नॉइस आ रही है आपकी तरफ से वो तंग करती है। एक अभी का आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है इसको अनम्यूट मत करें। ओके तो ये जिन्होंने मैसेज लिखा है नाम क्या इनका? शेप पूरा नाम नहीं पढ़ा जा रहा हमसे। शेप शिपा शेप जिन्होंने भी ये 7 days प्रोग्राम अटेंड करना है तो हमें व्हाट्सएप कर दें। आई विल सेंड यू द लिंक हाउ टू पे एंड हाउ टू ज्वाइन। मेरा नंबर आप लोगों के पास है नहीं तो अभी हम लिख रहे हैं। हेलो क्वेश्चन हाँ सर मैं शेफाली हूँ। हाँ जी शेफाली मिल गया आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ सर मुझे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप नंबर। हाँ वो भेज दिया हमने आपको। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो माया लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए फिर इसके बाद हम। हाँ सर अगर आप आपका ट्विन मैरिज है किसी और के साथ तो क्या वो मैरिज होने के बावजूद भी उसकी अवेकनिंग होती है क्या ट्विन प्लेन जर्नी में? पहले आप बताओ आपने 12 वीडियो देखे? हाँ देखे। तो यूनियन उसमें वीडियो है यूनियन के ऊपर कि यूनियन का क्या मतलब है तो उसमें कहीं भी हमने ये कहा है कि आपके फिजिकल ट्विन की आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है या नहीं है क्या बोला है हमने वहां? आपने कहा हाँ आपने कहा है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो एक टाइम के बाद जब आप अपने आप में ही कंप्लीट महसूस करते हो तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम लोग जो 5 डायमेंशन है उसमें तो हम सब एक ही हैं तो इसीलिए। और हमारे बीच में भी बैठे हुए लोग जो बहुत ऐसे ही आए थे। और कोमल क्या कहेंगी आप? मैम पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सैडनेस नाम की चीज नहीं रहती और हर दिन मिरेकल्स होते हैं और आप अपने आप में बहुत खुश रहते हो और ऐसा लगता है जैसे डिवाइन से कनेक्टेड हो। जैसे ही क्वेश्चन आता है आंसर भी तुरंत आ जाता है। जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आप अवेकन हो रहे हो सारे के सारे लोग। चलो कोमल नीलम अवेकन हो रही है या पूजा अवेकन हो रही है तो आपको आपने खुद ने अवेकन किया कि आपको किसी ने अवेकन किया? आपकी ट्रिगरिंग किसी ने की कि आपने खुद ने की? ट्रिगरिंग की
डीएम ने ट्रिगरिंग की एंड उससे ऊपर जो बैठे हैं डिवाइन, ऐसे कह सकते हैं उन्होंने आपको किसी तरीके से, तो जब माया आप एक पर्टिकुलर ग्रोथ कर जाएंगी इनर वर्क में, तो फिर उनको भी अपने आप पीछे से सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे कि चल भाई अब उठ, बहुत सो लिए, आपके डीएम की बात कर रहे हैं, और फिर वो इट्स ट्रू, आई एम एक्सपीरियंसिंग, इट्स ट्रू। भाभी का खुश हो रही है। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नहीं कर रही तो फिर उनकी उठने की बारी तो पता नहीं कब आएगी। देखो जी, सारा चक्कर अपने आप को चेंज करने का है, खुद को चेंज करो, खुद ग्रो करो, आसपास का एनवायरनमेंट सारा ही चेंज हो जाना है, ए टू जेड। चलिए करते रहो अपने पे काम, हम वैसे बहुत अच्छे हैं इस समय, बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनते जाओ, और अच्छे बनते जाओ, और उस अच्छे बनने के रास्ता चाहिए। मैम मुझे इनर वर्क के बारे में जानना है, मैंने सिर्फ चर्चा की है आपसे, इनर वर्क क्या है वो मुझे जानना है। ठीक है माया, आप मेरे को मैं व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप डिटेल्स चेक कर देना, ठीक है। गुड, कौन बोल रहा है? जी प्रीत, मैम मैं शेफाली बोल रही हूँ। मैम मैंने एक डीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था, मैं डीएम एक ब्लेमिंग का। आपने वो वीडियो सीरीज देखी पहले बताओ, 12 वीडियोस? नहीं सर, एक्चुअली देखा नहीं है, तो बस फिर वो कुछ कुछ वीडियोस देखा हुआ है, उसमें डिटेल में आंसर्स मिल जाएंगे ये, क्योंकि हम रिपीट नहीं करना चाहते उन्हीं आंसर्स को जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो एक बार आप वीडियो सीरीज देखना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी ऐसे सेशन में आप आना उसके बाद, और तब अपने सवाल पूछ लेना अगर कोई सवाल बच गया तो, ठीक? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट पूछना। अच्छा ईशा, अच्छा ईशा ने क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइन से कैसे कनेक्शन बनाते हैं और सबकॉन्शियस को कैसे हील करते हैं। ईशा ये मैं अगर तुम्हें अभी 2 मिनट में बता सकता होता तो फिर तो बात ही क्या थी। इस चक्कर इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्टार्टिंग स्टेज जो है इस सारे काम को करने की, उसके लिए 6 महीने तो हम ही ले लेते हैं, उसमें भी हम इतना कुछ कराते हैं आपको कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाय मैम, हाय। एक मिनट जे, अभी जिन जिन का ना डिवाइन कनेक्शन फॉर्म हो गया जरा हाथ उठा दें प्लीज। नहीं नहीं हो गया, बड़े स्टूडेंट सबका ही, वेरी गुड। कोमल, नीलम जी, स्वाति, माया, पूजा, उपासना, प्रज्ञा, डॉक्टर संध्या, ममता, वेरी गुड। सो इतने लोग हैं जिनका हो गया, इन्होंने 6 महीने की इतनी अभी तक मेहनत अपने ऊपर कर रहे हैं, तो एट लास्ट स्टेज पे तो पहुंच ही गए हैं, गुड गुड जी। तो और जिन्होंने कृष्णा जी ने भगवत गीता पढ़ी तो इनको तो समझ आ ही गया कृष्ण भावना मृत कैसे होते हैं। हाँ। है ना, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन ले लो, अभी कौन क्वेश्चन करने लगा था जरा प्लीज बात करें। एक तो प्रीति है और एक उपासना है। हाँ बोलिए भाविका। सर पहले तो राधा कृष्ण की स्टोरी शुरू होती है, फिर महाभारत शुरू होता है, फिर रामायण शुरू होती है, फिर वापस राधा कृष्ण आके खुद से खड़ा आके रुक जाते हैं। वेरी गुड, फेस में तो लड़ाई। ठीक है ठीक है, तो आपके क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सब फेस तो कर लिया है, अभी 6/2 दिखाई दे रहा है, और जो नेगेटिविटी के जो अटैक रहते हैं, जो साइकिक अटैक रहते हैं, फियर ज्यादा है, फियर थोड़ा है बस, और तो कुछ नहीं, आगे तो बढ़ती जा रही हूँ लेकिन फियर थोड़ा है बस। इन सारे क्वेश्चंस के तो फियर नेगेटिव, फियर तो नेगेटिविटी जो रहती है उसका ही है, और कुछ फियर नहीं है बस, वो भी रिलीज हो जाएगा। हाँ बस, तो एक फियर पे होने से सेशन की हस्बैंड भी बोलता है, हस्बैंड भी बोलता है कि तुम अपने ट्विन की हो के रहेगी। चलिए भाभी का म्यूट कर दे अपना जरा, और लास्ट रिक्वेस्ट करूं आपसे, क्वेश्चन नहीं, एक मिनट उनका जवाब देने दो प्लीज। हाँ अच्छा, एक फियर पे हमने सेशन कंडक्ट किया था, फियर हीलिंग पे, वो आप यूज कर सकते हैं जो कि YouTube पे है हमारा, अभी के लिए बस यही कर सकते हो आप, और
हाँ म्यूट हो गया भाविका आप आपका जी। तो अब हम सेशन शुरू माया भी हो रहा है कि माया का इतना सब। हाँ माया जी लास्ट माया अब लास्ट है ठीक है इसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट क्वेश्चन नहीं है हम लोग ना बहुत सारे नंबर्स देखते हैं आप लोग के बहुत सारे नंबर्स के वीडियोस में देख चुकी हूँ मतलब जितने भी सारे आप लोगों ने शेयर किए हैं कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो हम लोग देखते हैं तो आप लोग कभी कभी वो नंबर्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस लाए तो उसकी जानकारी होगी कि वो नंबर्स क्यों देखते हैं। हाँ वो कोई नहीं आप, एक आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं नंबर्स की तो आपको धीरे धीरे हम बनाते रहेंगे सारा कर ही रहे हैं धीरे धीरे काम। तो मैम आपकी वाली लिंक फॉरवर्ड कर दो अगर ग्रुप में डाल सकते हो तो कम कोमल मैं डाल दूंगी कोमल आपको एक साइट फॉरवर्ड कर दे लेकिन मैं पावरफुल प्रोटेक्शन मैम लेकिन पावरफुल प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है इसमें। ये तो है कोई नहीं ये जहां से आप सीख रहे हो आगे आगे सीखते चले जाओगे तो वो चीजें भी करनी आ जाएंगी जैसे आपका ही देख रही हूँ क्योंकि इधर तो बहुत पेन फ्लेम का कोई सीखो बहुत पता नहीं है गुजरात में राजकोट में धीरे धीरे हीलर है बहुत लेकिन पेन फ्लेम जर्नी का किसी को पता नहीं है यू स्टार्ट करने वाली। चलो जब आपका मन होगा जब आप रेडी बस एक थियरी है बाकी सब देख लिया जब आप रेडी होंगे तो फिर इन्ना वर्क प्रोग्राम स्टार्ट कर लीजिएगा या हमारे स्टूडेंट बन जाइएगा फिर डिटेल से आपको सपोर्ट कर देंगे और डिटेल से ठीक है। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं अभी सभी अपना म्यूट कर लेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बना लें। सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप चेयर पे या सोफा पे या बेड पे भी बैठ सकते हैं। किसी को टांगे फोल्ड करके बैठने में प्रॉब्लम है तो वो टांगे सीधी करके भी बैठ सकते हैं स्पाइन सीधी। कुशन वगैरह लेके बैठना है तो वो बैठ सकते हैं क्योंकि आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। सेटल डाउन कर लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगा दें। Let your energies get settled. अपनी energies को settle होने दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसके प्रति अवेयर हो जाएं। सांसों के आने और जाने के साक्षी बन जाएं। आपकी चेतना साक्षी बनकर आपके श्वासों को आते और जाते हुए देख रही है। आप एक साक्षी की भांति ऑब्जर्वर की तरह अपने शरीर को मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा हुआ देख रहे हैं। आप अपनी लगातार चलती हुई श्वास को सांसों को देख रहे हैं। और आप अपने मन में उठते हुए विचारों को भी देख पा रहे हैं। मन की आंखों से अपने शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे महसूस करेंगे। आपके दोनों पैर ढीले
और रिलैक्स हो गए हैं। दोनों टांगे, घुटने और थाइस सेटल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। अपनी अवेयरनेस को अपने हिप्स पे ले आए, वहां की स्थिरता का अनुभव करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे अपना ध्यान ले जाएं और नीचे से एक एक वर्टिब्रा से होते हुए ऊपर चलेंगे। पीठ के सबसे निचले हिस्से से ऊपर चलना शुरू करें, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा टू लोअर बैक, लंबर एरिया से होते हुए मिडल बैक, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सर्वाइकल एरिया पे आ जाए, अपर बैक पे, और एक एक वर्टिब्रा से होते हुए सिर के अंदर पहुंच जाएंगे। ब्रेन के अंदर अपनी नर्व्स को फील करेंगे, जैसे ही आपका ध्यान अपने सिर के अंदर जाता है ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन होनी शुरू हो जाती है, ब्रेन शांत होना शुरू हो जाता है। देखते रहें, अगर इस समय कोई विचार उठ रहे हैं तो बस उन विचारों को देखना शुरू करते, देखें क्या विचार आ रहे हैं, और जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे सारे विचार ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रही थी, तो सिर्फ देखें क्या कोई विचार है, अगर है तो उनको भी साक्षी बनकर सिर्फ देखेंगे। सिर्फ अपने शरीर पर, सांसों पर ध्यान देने से ही इतनी शांति आपके अंदर समानी शुरू हो गई है। अपना ध्यान अपने माथे से, आंखों से होते हुए पूरे चेहरे को देखते हुए चेहरे के भाव को एकदम शांत में बनाएं। अगर आप फ्राउनिंग है, कस के रखा हुआ है, स्ट्रेस दिख रहा है माथे पे, तो रिलैक्स कर दें, एकदम शांत। नीचे गर्दन से होते हुए चेस्ट से होते हुए एब्डोमेन में आ जाएं और एब्डोमेन के अंदर देखना शुरू करें, और गहरे और गहरे। पूरे शरीर को एक बार ऊपर से लेके नीचे तक अंदर से देखेंगे, और अपने माथे के बीच में आकर स्थित हो जाएंगे। और अपने अंदर के उस भाव को जागृत करेंगे जब हमें गुस्सा आता है, जब कोई बहुत ज्यादा आपका कहना नहीं मानता और जिद्दी हो जाता है। उन घटनाओं को देखने की हम कोशिश करेंगे जब कभी भी ऐसा हुआ कि किसी ने जिद्दी बिहेवियर किया हमारे साथ, जिद करी, वो किसी तरह की भी जिद हो सकती है, बच्चे ने टॉय लेने के लिए जिद की हो सकती है, जिसमें आपको परेशानी भी हुई साथ में, मतलब ज्यादा उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी, या कोई पार्टनर है उसने आपके साथ किसी तरह की जिद करी, कोई जब फिजिकल जबरदस्ती की जिद करी, इंटीमेट होने की जिद करी, या आप उसकी बात माने इसके लिए जिद करी, किसी ने आपको प्रपोज किया और जिद करी कि आप उसका प्रपोज एक्सेप्ट करें,
या और ही ऐसी भी किसी तरह की जिद कि आप उनको ये गिफ्ट करें, आप वो करें। भाई ने जिद करी कि मेरी प्लेट रख के आओ, हस्बैंड ने जिद करी किसी तरह की, बहन ने जिद करी, मम्मी ने जिद करी, पापा ने जिद करी, बच्चों ने जिद करी, दोस्तों ने जिद करी, जिद करके ले गए आपको जबरदस्ती जहां आप नहीं जाना चाहते थे। या कोई वैसे ही बहुत अड़ियल किस्म का है, जिद्दी है, और जिसको आपको देख के अच्छा नहीं लगता कि ये कितना अड़ियल है, कितना स्टिफ है। साथ ही ऐसा भी, जब आप कुछ चाहते हैं करने के लिए और सामने वाला स्टबर्न हो जाता है, वो करना ही नहीं चाहता, आपका कहना नहीं मानता, वो अपनी अड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी अगर सीन आपको याद आ रहा है अपने जीवन का, पास्ट का, ऐसा कोई भी मौका याद आ रहा है अगर, तो उन्हें देख लीजिए। सारे मौके, सारे सीन्स आपके सामने आ गए हैं, 2, 4, 8, 10 जितने भी सीन्स हैं देख लीजिए। और इन सीन्स में, इन इन जो भी इवेंट्स आपको याद आए, इनमें खुद को भी देखिए। आप उस समय जिस उम्र के थे, अपनी उम्र, अपने आप को भी देखिए इनमें। और जो आपकी सेल्फ, जो आपका उस समय का जो सेल्फ है, उनको बस आपको ये कहना है कि बेटा जो भी हुआ छोड़ो, अब उसे, अब उसका हर्ट या उसका अफसोस जो है, गिल्ट है अगर कोई, तो छोड़ो उसे। कई बार हम किसी की जिद मान लेते हैं और बाद में हमें अफसोस भी हो जाता है। तो अगर ऐसी भी कोई है जिद, तो उसको भी देख लीजिए, उसमें खुद को देखिए। और खुद को बस आपको यही कहना है कि जो भी अफसोस, हर्ट, गिल्ट है, अपनी सेल्फ को कह रहे हैं कि उसको छोड़ो बच्चे। छोड़ो उसे, आओ मेरे गले लगो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल लव। हम इसको छोड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे जीवन में, इसलिए छोड़ो, आओ मेरे गले लगो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, करता हूँ, आओ और मेरे अंदर वापस समा जाओ, मेरे अंदर मर्ज कर जाओ। कोई भी दुख है तो उसको निकाल दो इस समय, उस पेन का अगर एहसास हो रहा है तो उसको बहने दे, रोके नहीं अपने आप को, और बस प्यार करते हो, अपने को गले लगा लिया अपने। वेरी गुड। अभी हम ऐसे इंसिडेंट देखेंगे जब हमने दूसरे की नहीं मानी, हम अड़ जाते हैं किसी चीज पे, कोई कितना भी हमें मना ले, स्टबन हो जाते हैं, या हम किसी चीज की जिद करते हैं और सामने वाले को हमारी माननी पड़ती है। दोनों ही तरह के इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में देखें, जब जब आपने ऐसा कर्म किया, आपने ऐसा कुछ किया अपनी लाइफ से, तो ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स याद करें। कभी आपने अपने पार्टनर से ऐसा किया हो, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, प्रोफेशन में, कोलीग्स के साथ, आने दें उन इंसिडेंट्स को सामने, 1, 2, 3 या जितने भी याद आते हैं, या नहीं आते तो इंटेंशन डाल दें, उन सारे सीन को विजुलाइज करें, अपनी इमेज को देखें, दूसरे लोगों को उस इंसिडेंट को एक बार ब्रेन में आने दें, और आज आप ग्रो कर गए हैं, और आपको और उस चीज का हो सकता है अफसोस भी हो रहा हो, कि हो सकता है आपको उस कंडक्ट से दूसरे को तकलीफ हुई हो, या आप ही को लगा हो कि क्या जरूरत थी। तो अपने उन सारी इमेजेस को, जितनी भी घटनाएं आई हैं, उन सारी अपनी सेल्फ को देखें और उनको प्यार करें। इट्स ओके, बात करें उनसे, नो नीड टू फील रिग्रेट, अब रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लीव द हर्ट, हर्ट छोड़ दें, गिल्ट छोड़ दें इस चीज का,
और कि किसी को मैंने दुख दिया या वैसे नुकसान कर दिया या क्या क्या जरूरत पड़ी थी, अपने इस कंडक्ट को लेके कोई शेम फील हो रहा है, उसको जाने दे, जस्ट लीव, एक इंटेंशन डाल दे कि मैं इस चीज को छोड़ती हूँ, अपने आप के उस रूप को बोले लीव इट, लीव द गिल्ट, हर्ट, एंगर, पेन, उस इंसिडेंट को लेके, कम एंड मर्ज इन मी, आओ और मेरे गले लग जाओ, अपनी ही उस बींग्स को विजुलाइज करें कि वो सारी बींग्स आपके हार्ट में मर्ज करती जा रही हैं। अगर कोई बींग ज्यादा दुखी है तो उसको हग करें, प्यार करें और अपने हार्ट में मर्ज कर लें। कोई ऐसी घटना है जहां पे खुद से जिद करी हो तो उसको भी देख लीजिए कि मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लिया और मैं इस कमिटमेंट को पूरी करके दिखाऊंगी, चाहे वो आपके फेवर की नहीं भी थी, आपकी आत्मा को उसमें दुख हुआ, तकलीफ हुई, आपकी सेल्फ को हर्ट हुआ, तो अगर ऐसी कोई घटना है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उसको, उन इवेंट्स को भी देख लीजिए जब खुद से ही जिद करी जाती है, या ऐसी कि खुद से जिद करके ऐसी एक्सपेक्टेशन कर ली, बाद में पूरी नहीं कर पाए और उसका गिल्ट होता है, बार बार सेल्फ को क्रिटिसाइज करते हैं हम। तो ऐसी कोई घटनाएं हैं उन्हें देख लीजिए, सारे सामने इवेंट्स आ गए हैं और उनमें आप खुद भी देख लीजिए अपने आप को जब आप उस उम्र के थे, इनको भी आपको बस प्यार ही देना है, अनकंडीशनल प्यार कि मेरे बच्चों इट्स ओके, छोड़ो जो भी हो गया उसके लिए, आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगी कि ना, मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगी कि एक तो किसी की जिद जो है उसको इग्नोर करूंगी, अपनी जिद कोई है तो उस पर भी उसको भी देखूंगी कि मैं, मेरी जिद जेन्युइन भी है कि नहीं है, और खुद से तो मैं जिद डेफिनेटली करूंगी नहीं, बेटर है कि मैं डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करूंगी, तो मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो आओ मेरे गले लगो, हर्ट गिल्ट अफसोस छोड़ो, हम आगे से बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे बेहतर करने की, तो आओ मेरे गले लगो और मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंदर मर्ज करो। अगर ये मर्ज हो गए हैं सारे के सारे, अभी हमने तीन ऑप्शंस देखी, जब किसी ने हमारे साथ जिद करी, हमने किसी के साथ जिद करी या हमने खुद के साथ जिद करी, तो अगर ये सारे आपके इंस्टांस हील हो गए, अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, कुछ समय में, आने वाले समय में आप इनको फिर से हील कर सकते हैं। अभी के लिए इन सभी घटनाओं में जितने भी लोग शामिल हैं इन घटनाओं में, उनको विजुलाइज कर लीजिए अपने सामने, जब किसी ने आपके साथ जिद करी तो उन लोगों को भी सामने ले आओ, इकट्ठे कर लो, एक भीड़ सी खड़ी है लोगों के सामने, जब आपने किसी के साथ जिद करी तो उन लोगों को भी सामने ले आओ, और अगर आपने खुद के साथ जिद करी हो उसमें कोई और भी शामिल था तो उनको भी ले आओ सामने, सभी को इकट्ठा कर लो। और इन सबसे अब हम फ्री होने की कोशिश करेंगे, इनसे माफी मांगेंगे कि हमें माफ करें, हम भी आपको माफ करते हैं, जो हो गया हो गया, अपनी अपनी एनर्जेटिक, आप इनसे सबसे कह रहे हैं कि अपनी अपनी कॉर्ड्स अगर हैं कोई तो ले लें भाई, हमें फ्री करें, और बस फ्री कर दें। इनमें से अगर आप किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं, अगर किसी को रखना है तो रख लीजिए। So visualize yourself that you have, that you are free from this pain. You have forgiven everybody, and there is a happiness after forgiving, lightness after forgiving. और अगर किसी को आपने तंग किया था तो देखिए उन्होंने भी आपको माफ कर दिया है, और वो अब आपके जीवन से अपनी नेगेटिव एनर्जी को डिफ्यूज करते हुए खुशी खुशी आपकी लाइफ से
चाह रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन बनाते हुए, आप बहुत ही लाइट और हल्का फील कर रहे हैं, हल्की सी स्माइल, अपने इष्ट को विजुलाइज करेंगे, गॉड को, जिस रूप में भी आप मानते हैं जानते हैं, किसी देवी देवता के, इष्ट के, गुरु के रूप में या प्रकाश स्वरूप में, शब्द स्वरूप में या वैसे ही फॉर्मलेस में उस परमात्मा को विजुलाइज करेंगे, नमन करेंगे और देखें वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर चंद्रमा की चांदनी जैसी ठंडक देती हुई आपके ऊपर पड़ रही है और आप जैसे चांद की चांदनी में नहा गए हैं, पूरी व्हाइट लाइट से कवर हो गए हैं। ब्लेसिंग्स आर विद यू बिकॉज आपने दूसरों को माफ किया, खुद को, खुद की माफी मांगी है, खुद के एक कदम और स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में बढ़ाया है। सो ब्लेसिंग्स को फील करें, गॉड को अपने साथ फील करें, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने दिल के अंदर, मन के अंदर महसूस करें और उनको नमन करते हुए दोबारा से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। अपनी सांसों को चलता हुआ देखेंगे, अपने अंदर की शांति को और एक डिफरेंट एनर्जी जो हो गई है, जो क्लास के शुरू में थी और जो अब है, उसको महसूस करें। अपने मन से सभी के भले की कामना करते हुए कि पूरे संसार में सुख हो, शांति हो, सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे और सभी आत्माएं, सभी लोग सत्य के रास्ते पे चले, पूरे वर्ल्ड में हर एक कॉन्शियस, हर एक जीव जंतु, हर एक कॉन्शियसनेस जो भी है, सभी को आनंद और शांति का अनुभव हो, इस तरह की प्रेयर करते हुए लंबा गहरा सांस लेके 3 बार ओम का उच्चारण। Join your hands, दोनों हाथों को ज्वाइन करके अपने हार्ट सेंटर पे ले आए, नमन करते हुए प्रभु को, अपने गुरु को, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद अपनी हथेलियों को कप करके अपनी आंखों पे लगा दें और अपने हाथों से अपनी एनर्जी को महसूस करें। अपने चेहरे को टच करते हुए, शोल्डर को, अपनी बॉडी को टच करते हुए मदर अर्थ को नमन करेंगे, धरती को, और प्रेयर करेंगे कि हमें जरा भी अहंकार ना हो, हम बड़े हम्बल रहें और सभी को धन्यवाद, सभी को नमन करेंगे क्योंकि इस जगह, इस संघ में जितने भी लोग बैठे हैं वो, उनमें भी परमात्मा विद्यमान है, ये सोचते हुए सभी को नमन। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए, सभी की मंगल कामना करते हुए फिर मिलते हैं आपसे। सभी शांत हो गए। बाय बाय। चक्रा हीलिंग वालों को रात को मिलते हैं हम 9:30 बजे। Thank you.